हुक्का भी यहाँ पे रखा हुआ है। शौकीन बंदे हुक्का भी पी सकते हैं, हम तो नहीं पीते हैं। सुंदर लोकेशन है, बहता हुआ पानी है झील का, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी और भी बोट हाउस बने हुए हैं सुंदर सुंदर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। व्यस्त होने के बाद भी आप मेरा ब्लॉग देखते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स, मैं आया था बाबा के दर्शन करने, बाबा बर्फानी के दर्शन करने, लेकिन कहा जाए कि इस समय शाम हो गई थी तो हमको आगे का रास्ता तय नहीं करने दिया, तो हम श्रीनगर में रुक गए। श्रीनगर में हमने क्या किया, बोट हाउस था, हमने बोट हाउस में ले लिया रेंट पे रूम। तो हमने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए, जो हमने रूम लिया है आपको भी दिखाते हैं हम रूम। चलिए फ्रेंड, आपको दिखाते हैं रूम, किस प्रकार का रूम है, उसकी लोकेशन क्या है, सब आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, ये लोकेशन है हमारे बोट हाउस की, आप देख सकते हैं बाहर, ये आप देख सकते हैं बहुत सी बोट हाउस है, ये हमारी लोकेशन है, ये देखिए आप, ये झील है, झील का पानी आप देख सकते हैं दूर तक बह रही है झील। उसके अलावा ये हम बोट हाउस में रुके हैं, आप देख सकते हैं ये है बोट हाउस। चलिए आपको दिखाते हैं अंदर से बोट हाउस किस प्रकार से बनी है, आपको सब दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड चलते हैं अंदर, अब चलते फ्रेंड अंदर, आपको दिखाते हैं बोट हाउस अंदर से कैसे बनी है। चलिए चलते हैं अंदर। सबसे पहले तो ये रूम का एक दरवाजा दिया गया है, इस दरवाजे को हम क्या करेंगे ओपन, ये हम स्लाइडिंग वाला दरवाजा है, इसको खोलेंगे इस प्रकार से खुल जाता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं अंदर से अपना बोट हाउस, ये देखिए फ्रेंड, एक ये सोफा रूम बना हुआ है, साथ में हुक्का भी यहाँ पे रखा हुआ है। शौकीन बंदे हुक्का भी पी सकते हैं, हम तो नहीं पीते हैं, लेकिन जो शौकीन बंदे हैं वो पी सकते हैं, काफी अच्छा डेकोरेट है आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल रखा है, यहाँ पे जब हम लंच करेंगे डिनर करेंगे तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ये डाइनिंग टेबल है, ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं फ्रेंड। जब फ्रेंड हम यहाँ पर, अभी कहा जाए लंच का समय तो बीत चुका है, तो डिनर का समय ही बचा है, हम जब डिनर करेंगे तो इसी स्थान पर बैठ के करेंगे। यहाँ पे कुर्सियां भी है, टेबल भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है इस बोट हाउस में। अब हम आपको दिखाते हैं अपना बेडरूम, जो कहा जाए हमारा जो रूम है, ये तो था हमारा डाइनिंग रूम और यहाँ पे हम कर सकते थे डिनर। उसके अलावा ये हमारा है बेडरूम, आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है बेडरूम, देख सकते हैं काफी अंदर जाना पड़ता है। ये है हमारा रूम, ये देखिए फ्रेंड, ये रूम हमने लिया है, आप भी देखिए और बताइए कैसा है रूम, आपको कैसा लग रहा है। ये बोट हाउस में हमने रूम ले रखा है, बोट हाउस हमने ले रखी है रेंट पर। ये हमारा बेडरूम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बेड भी रखा हुआ है, उसके अलावा फैन भी लगा हुआ है, कुल मिला के पूरी फैसिलिटी है यहाँ पर अंदर से लेके बाहर तक, देख सकते हैं आप। और उसके अलावा देखिए टीवी भी रखा है और एक बेड छोटा सा और रखा हुआ है। उसके अलावा फ्रेंड आप देख सकते हैं बाहर के नजारे के मजे लेने, बाहर का नजारा अगर देखना आपको यहाँ से, ये स्लाइडिंग भी है आप देख सकते हैं, यहाँ से आ रही है ठंडी ठंडी हवा, यहाँ से झील का पानी बह रहा है, और हमारा जो बेडरूम है अगर रात से यहाँ खोल के बैठेंगे तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भी आएगी। कुल मिला के बहुत ही अच्छा रूम है और कहा जाए फैसिलिटी भी काफी अच्छी है, बिल्कुल साफ सुथरा रूम यहाँ पर बना हुआ है। फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से भी नजारा, जो खिड़की है हमारे बेडरूम की आप देख सकते हैं, ये है खिड़की हमारे बेडरूम की और ये है लोकेशन, ये है व्यू, ये आउटर व्यू है आप देख सकते हैं, सामने सड़क चल रही है, ये देखिए ट्रैफिक चल रहा है, लोग गुजर रहे हैं, गाड़ियां निकल रही हैं, और ये है झील, जो भी मैंने आपसे आपको बाहर से भी जो झील मैंने आपको बाहर से भी दिखाई थी। उसके अलावा ये आप सामने देख सकते हैं ये पहाड़ है और ये आप देखिए यहाँ पर काफी अच्छी काफी सुंदर लोकेशन है, बहता हुआ पानी है झील का, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी और भी बोट हाउस बने हुए हैं सुंदर सुंदर, लेकिन हम तो इस वाले बोट हाउस में रुके हैं, आप देख सकते हैं काफी अच्छी लोकेशन है।
फ्रेंड बोट हाउस तो बहुत थे लेकिन हमको ये बोट हाउस काफी पसंद आया तो हम इसी बोट हाउस में रुक गए। फैसिलिटी तो काफी अच्छी है, रूम भी काफी अच्छा है। बाकी आप भी कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा बोट हाउस, जिस बोट हाउस में हम रुके हैं। अच्छा आपको फ्रेश रूम भी दिखाता हूँ, इस बोट हाउस तक मैंने आपको नहीं दिखाया वो भी दिखाता हूँ। ये है फ्रेश रूम, यहाँ पर पड़ा हुआ एक टब, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पड़ा है टब, तो टब में भी नहाया जा सकता है। काफी साफ सुथरा फ्रेश रूम भी था, देख सकते हैं फ्रेंड आप। कुल मिला के काफी अच्छी फैसिलिटी है हमारे इस बोट हाउस के रूम की, काफी अच्छा काफी साफ सुथरा रूम है। फ्रेंड आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये बोट हाउस कैसा लगा। चलिए फ्रेंड करते हैं ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, आपको मिलते एक नए ब्लॉग में एक नई जगह, तब तक के लिए बाय।